नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकप्लेक्स मैच हाईलाइट पे। और इस वक्त मैं यूएसए और इंग्लैंड का एक अहम मुकाबला और इन दो टीमों के बीच इस लीग का आखिरी मुकाबला लेकर हाजिर हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मैच में इंग्लैंड ने बहुत ही आसान सी जीत, यानी 10 विकेट से जीत कर ली है। लेकिन इस मैच की पूरी डिटेल्स और मैच में क्या कुछ खास रहा और कितना अहम था ये मैच और खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन, शुरुआत करते हैं मैदान से। तो ये बारबाडोस का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत मैदान, और इस मैदान पर इंग्लैंड के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। क्योंकि जब आपको रन रेट का मसला आता है, रन रेट बनाना होता है, तो आप अगली टीम को बैटिंग के लिए इनवाइट करते हैं ताकि आप जो टारगेट आपको मिले उसको कम से कम ओवर में और कम विकेट खोकर जीतें, ऐसी आपकी सोच रहती है और वही हुआ। कल यूएसए बैटिंग करने के लिए उतरी, उनके दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कर फ्लॉप रहे। स्टीवन टेलर के साथ आप देखें तो एंड्रियास गॉस और एरॉन जोन्स भी कल बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन तीन बल्लेबाज जो टीम के लिए अच्छा रन योगदान दिया, उसमें से नीतीश कुमार ने 30 रन बनाए। लगातार इनकी छोटी छोटी पारियां रही, लेकिन कमाल की पारी रही है। कोरी एंडरसन कल अपना उन्होंने वो रुतबा दिखाया कि वो भी बैटिंग कर लेते हैं, 29 रन उन्होंने भी बनाया। हरमीत सिंह ने 21 रन बनाए। देखिए, ये यूएसए के एक अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इस तरीके से टोटल जो टारगेट बना वो 115 का, और अगली टीम को जो लक्ष्य मिला 116 रन का लक्ष्य मिला। गेंदबाजी में अगर हम इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो कल सबसे ज्यादा विकेट लिया क्रिस जॉर्डन ने, उनको दोबारा मौका मिला, हालांकि कुछ मैचों में बैठाया गया था। 2 ओवर 5 गेंद देखी और 10 रन देके 4 विकेट लिए। सैम करन ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन आदिल रशीद ने जो बॉलिंग में कमाल किया वो सबसे अलग था, 4 ओवर में 13 रन देके 2 विकेट लिए और इस तरीके से टीम की कमर तोड़ दी। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम को टारगेट बहुत ही छोटा था और उनके सामने ये जरूर था कि रन रेट कैसे बेहतर किया जाए। शुरुआत बहुत ही धमाकेदार, कल फिलिप सॉल्ट बहुत ही स्लो खेल रहे थे, लेकिन कप्तान जोश बटलर ने जोश दिखाया। और मैंने आपको बताया कई वीडियो में कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको एक पारी की आवश्यकता है और वो कल पारी मिल गई। 83 रन नाबाद, 38 गेंदों में 6 चौके 7 छक्के लगाए और मैच को एक तरफा कर दिया। कप्तान की वो पारी इस मैच पे पड़ गई भारी और इस तरीके से मुकाबले को जीत लिया है। मोहम्मद आदिल रशीद जो है इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे और इस तरीके से इंग्लैंड सुपर 8 में अपनी पोजीशन नंबर 1 पे रखे हुए है। देखना है सेमीफाइनल में पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन उनके पास 2 लाइव फैन हैं, उनका नेट रन रेट और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच चल रहा है उसमें अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो बिल्कुल इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगी। धन्यवाद।